हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर मैं इस कोचिंग का एडमिन इंचार्ज हूँ, चंदर सक्सेना। सर दो लोग आए थे, उन्होंने बोला कि वो सीए फर्म से आए हैं और उन्हें आरती मैडम से जीएसटी के बारे में कुछ बात करनी है। जीएसटी के बारे में बात करनी है, टैक्स फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ का एडमिन इंचार्ज हूँ। सुरेश जी की बात हो गई है मैडम से, आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अब बाहर रिसेप्शन पे वेट करिए, मैं उनको बताता हूँ जी। और सर फिर मैंने चिट लेकर राम सेवक को भेजा कि वो आरती मैडम को जाके इन्फॉर्म कर दे। फिर मैडम ने पर्ची पढ़ी और उन दोनों को अंदर भेजने के लिए कहा। और वो लोग मर्डर करके ऐसे निकल गए, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, आरती के चीखने की भी कोई आवाज़ नहीं आई। नहीं सर, साहब मैंने उन दोनों को जाते हुए भी देखा और मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गई होगी। मुझे लगा ही नहीं कि वो कातिल थे और आरती मैडम का खून कर चुके थे। वो तो जब मैं उनके केबिन में चाय देने गया तो देखा कि वो कुर्सी पर मरी पड़ी है। तुमने नहीं भेजा पर तुम्हारी आरती से बात हुई थी ना कि जीएसटी को लेकर कुछ क्या? कोई बात नहीं हुई सर, मैंने आपसे कहा था ना मेरे सीए ने किसी को नहीं भेजा। मेरी भी अपनी सीए सुरेश पुजारी से बात हुई, ना तो उसने आरती से कोई बात की थी ना उसने किसी को भेजा। तो कौन हो सकता जो सीए के ऑफिस का बहाना करके आरती से मिलने आया और उसे मार कर चला गया? मुझे कैसे पता होगा सर, मेरी बहन को कोई मार के चला गया, मेरे लिए यही मानना मुश्किल हो रहा है अभी। आरती 6 महीने पहले ही सेंट्रल जेल से बेल पे बाहर हुई और अब इसका मर्डर हो गया। सर शायद वैभव जोशी मर्डर केस की फाइल हमें वापस खोलनी चाहिए। ये प्रेम मिश्रा अभी भी जेल में ही है ना? यस सर, उसने बेल के लिए अप्लाई किया था पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो अभी भी सजा काट रहा है। अरे मिश्रा, वो तेरी जोड़ीदार आरती जोशी, मर्डर हो गया उसका। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आरती का कत्ल वाकई में जैसी करनी वैसी भरनी का मामला था? 2 साल पहले वैभव जोशी का कत्ल हुआ और अब उसकी पत्नी आरती जोशी का भी। जी ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना होगा मुझे, अभी पुलिस के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आपको आरती को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यू संभालने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। मैंने नहीं कहा था उसको, खुद गई थी वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे उनसे मिलने की जरूरत क्या थी। सीए के ऑफिस से लोग आए थे ना, मना कर देना चाहिए था यार। आपको ना उस गीता से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। अरे पहले मुझे पुलिस को हैंडल करने दो, देखते हैं क्या सवाल पूछते हैं लोग। बिना मैं जब तक मोहन ठाकुर से बात करता हूँ, तुम आरती जोशी के पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड निकलवाओ जब से वो बेल पर जेल से बाहर आई थी। हमें वैभव की फैमिली को भी चेक करना चाहिए, उसकी माँ बहन जीजा, हो सकता है उनमें से किसी का इस मर्डर में हाथ हो। ठीक है पता करो, और उस प्रेम मिश्रा के बारे में भी पता करो। ओके सर। अच्छा साहब, उस्मान खबर तो मिल गई होगी तुझे। साहब मुझे नहीं, पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। आपको कुछ पता चला कि कौन है वो लोग? नहीं, लेकिन कोचिंग क्लासेस के पियोन राम सेवक और एडमिन इंचार्ज चंद्र सक्सेना की मदद से हम उन दोनों का स्केच बनवा रहे हैं जिन्होंने आरती का मर्डर किया था। कहना मुश्किल है कि स्केच कितना सटीक बनता है, क्योंकि दोनों सी एफ एम के एम्प्लॉय बनकर आए थे तो जाहिर है थोड़ा भेज बदल कर आए होंगे। पर खैर इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं, कुछ भी करके ने ढूंढ निकालना हो अपने सारे सोर्सेस, अपने सारे नेटवर्क का इस्तेमाल कर। हमेशा कहा कि वैभव के मर्डर में हम आरती को लेकर गलत थे। एक बार इसका साथ में आना तो साहब, मैं फौरन अपना नेटवर्क काम पे लगा दूं। आखिर ये दोनों बच के जाएंगे कहां? गले पर 11 कट है, पेट और चेस्ट पर 7 बार चाकू जैसी तेज धार वाली चीज से वार किया गया। इसके पति को भी ऐसे मारा गया था। उसी के मर्डर की सजा इसके बॉयफ्रेंड प्रेम मिश्रा और उसके 2 साथी प्रकाश वर्मा और कमलेश जायसवाल को मिले, वो तीनों अभी भी जेल में। ये आरती 6 महीने पहले बेल पर बाहर आई थी, अब इसका भी मर्डर होगा। डॉक्टर क्या वैभव मर्डर केस में हम गलत थे? तो पता नहीं, अगर गलत हुए हैं तो जिसने भी वैभव का मर्डर किया था वो शायद इसके बेल पर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही मौका मिला उसने इसे भी मार दिया। शायद कोई ऐसा शख्स जिसे इन दोनों की मौत से ज्यादा फायदा होने वाला था। दिलीप, हमें आरती के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। हम प्रेम मिश्रा और उसके साथियों के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आरती कोर्ट में यही कहेगी वो बेकसूर है। ऐसे में उसे सजा दिलवाना मुश्किल होगा। 2 साल पहले यानी कि 2017 में पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला था जब उन्हें अपने खबरी से यह खबर मिली कि एवी स्टडी सेंटर का एक स्टूडेंट योगेश पाल प्रेम मिश्रा के संपर्क में है। वो प्रेम मिश्रा जो कभी स्टडी सेंटर में काम करता था, आरती जोशी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सहायक था,
और आरती के साथ उसका अफेयर भी था। ये सारी जानकारी पुलिस के लिए वैभव मर्डर केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। उस केस में, जिस केस में पुलिस के पास अब तक कोई क्लू नहीं था, कोई सही अंदाजा नहीं था कि वैभव जोशी का मर्डर किसने और क्यों किया। इस केस में पहली सफलता पुलिस को योगेश पाल से मिली जब उसे उठाया गया। बहुत घुमा लिया तूने मैं योगेश पाल, हमें पता है तू किसी एक्स स्टूडेंट से नहीं मिला था। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तबे सच तो तू तब बोलेगा जब हमारा डंडा चलेगा। 50,000 डंडे गिन के मारना इसे। पहचानता है ना इसे? प्रेम मिश्रा। चल बोल क्या सेटिंग थी तेरी इसके साथ। इतना तो हमें पता है कि नौकरी के नाम पर पैसे खाने वाली कोई बात नहीं थी। सर हमें पैसे मिले थे 1,00,000 मुझे और 1,00,000 निखिल को। किसने दिए थे? प्रेम मिश्रा ने। हाँ सर। तो मतलब ऐसा कोई एक्स स्टूडेंट था ही नहीं जिसे तू रेस्टोरेंट में मिला था? नहीं सर। पुलिस स्टेशन में जो फोन आया था वो किसने किया था? मैंने किया था सर। मैं वो हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं है, उन लाखों करोड़ों में से एक जो बेरोजगार घूम रहा है। क्या इस सब का वैभव जोशी के एवी कोचिंग सेंटर से कुछ लेना देना है? जब बिना रोजगार कोई भूखा मरता है ना, वो भी 1,00,000 रुपए भर के, तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखाई देती। पर अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है, ये जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। सर सर मैंने वैभव सर को नहीं मारा सर। सर मुझे और निखिल को 1,00,000 रुपए मिले थे सर। सर उस दिन जब आप कोचिंग सेंटर आए थे ना सर, तो हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि निखिल वो पैसे लेकर नौकरी देने वाली बात उठाएगा और मैं आपको वो पुराने स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगा। योगेश तू पुलिस को फोन करेगा, उसके बाद जब पुलिस पूछताछ के लिए स्टडी सेंटर आएगी तो निखिल तू पैसे लेकर के नौकरी देने वाली बात को हवा देगा, फिर तू पीछे से पुलिस के पास जाएगा और आग में घी डालेगा कि तुझे एक एक्स स्टूडेंट मिला था और उन्हें हिंट देगा कि वैभव को शायद उसे न मारा। तुमने और निखिल ने प्रेम मिश्रा से पैसे लिए, उसका काम किया और अब कह रहा है कि तुझे नहीं पता। सर मुझे सचमुच नहीं मालूम सर कि उस मिश्रा ने वैभव सर को मारा है या नहीं, पर सर इतना पता है कि उनका कुछ हाथ है इसमें। कुछ हाथ होना भी जुर्म होता है और जितना तेरा और निखिल का है ना वो भी जुर्म है। सर सर गलती हो गई सर। सर सर मुझे पैसे की जरूरत थी सर, मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई सर। प्रेम मिश्रा। जी। योगेश पाल और निखिल कनौजी हमारी कस्टडी में, तुझे याद करके बहुत रो रहे हैं, चल। आरती तुम्हें क्या लगा था कि हम कभी सैंगल में जाएंगे ही नहीं, कि एक पत्नी अपने ही पति की किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग कर सकती है? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने आज तक के पुलिस के करियर में किसी भी मुजरिम को नहीं देखा कि अब एक बार में अपना जुर्म कबूल कर ले। सर वैभव को मारने का प्लान आरती का था। ये झूठ बोल रहा है। आरती सब खत्म हो चुका है, तुम भी सच मान लो। नहीं ये सच नहीं है, इसने मारा है वैभव को और अब सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैंने कोई प्लानिंग, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप लोग सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठी कहानी बना रहे आप लोग। अरे इसने मारा होगा वैभव को अपने या किसी और फायदे के लिए। प्रेम मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकाश वर्मा को अरेस्ट किया। वैभव के कत्ल और किडनैपिंग में प्रेम का दूसरा साथी कमलेश जायसवाल भी पुलिस की गिरफ्त में था। हेलो। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वैभव स्टडी सेंटर से निकलने वाला हुआ। हाँ बस पहुंच रहे हैं, पास में ही है। याद रखना सिर्फ वैभव को उठाना है, उसे ही मारना है। हमको अच्छे से पता है क्या करना है, तुम टेंशन मत लो सब ठीक से हो जाएगा। झूठ बोल रही है। हाँ हमारा अफेयर चल रहा था, मैंने इसे उस रात कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल किसी किडनैपिंग या मर्डर प्लान के लिए नहीं था। सर ये झूठ बोल रही है, ये सारा प्लान इसी का था, यही मेरे पीछे पड़ी थी कि वैभव को मार देते हैं। किडनैपिंग से लेके मर्डर का पूरा प्लान इसी ने बनाया था। प्रेम काम हो गया? हाँ हो गया, हम वैभव को लेकर के जा रहे हैं, तुम अपना नाटक शुरू कर दो। जैसा बोला है ना वही करना, कोई गलती मत कर देना।
अरे हाँ मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, सब वैसे ही होगा। अरे आप इसकी बात सुनी क्यों रहे? मैंने कोई प्लान नहीं किया, झूठ बोल रही है। सर झूठ मैंने ये बोल रही, और सर वैभव को मारने के बदले इसने मुझे 12 लाख रुपए देने का और मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। पूछिए इससे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन आपके पति को मारकर उसका इल्जाम आप पर डालेगा? आरती जोशी, अब नाटक बहुत हो गया, बंद करो, अपना जुर्म कबूल करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैंने कोई प्लान नहीं किया। नहीं मारा है मैंने वैभव को, प्रेम मिश्रा ने झूठ बोलकर मुझे फंसाने के पैसे लिए हैं। जी ये मीनाक्षी जोशी जी से मिलना था हमें, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा और घर पे भी ताला लगा है। मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेचकर चली गई हैं। अब उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो काफी टूट चुकी थी। यहाँ से कहाँ गई है वो? सुना है शायद अब वो वृद्धाश्रम में रह रही है। अब बेचारी करती भी तो क्या, अब उनका देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं बचा। आप बता सकती है कौन से वृद्धाश्रम में है वो? नाम तो नहीं पता, पर 80 घाट के आसपास ही है कहीं। अब आप उनकी बेटी पार्वती से पूछिएगा, शायद उसे पता होगा, अगर अब भी अपनी माँ की परवाह करती होगी तो। और कितना करेंगे, जितना कर सकते थे किया, बाकी हमारी भी तो जिंदगी है, घर है, गृहस्थी है, अपना देखें या दूसरों का करते फिरें। देखिए वैभव के जाने के दुख से माँ जी अभी तक उबर नहीं पाई हैं, सारा दिन उसके बारे में सोचकर उसे याद करके परेशान होती रहती हैं। अब आप खुद बताइए, जो चला गया उसके लिए कब तक अफसोस करते रहेंगे? पार्वती वो तुम्हारी माँ है। हाँ तो उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, और वैसे भी वो हमेशा से वैभव भैया की माँ ज्यादा रही है, हमारी तो उन्हें सिर्फ मुसीबत में याद आती थी। लेकिन अब ना सब कुछ सही, वो वहां खुश है और हम यहाँ पर खुश हैं। हमें ना तो उनसे और ना ही उनकी मुजरिम बहू आरती से कोई लेना देना है। अब लेना देना होगा भी नहीं, क्योंकि आरती का मर्डर हो गया। क्या मर्डर? कहाँ हुआ है? जेल में, उसकी कोचिंग क्लास में। आपको पता नहीं था वो बेल से बाहर आई हुई है? बेल पे बाहर आए या नरक में जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को बेहाल करके छोड़ दिया, जिए या मरे बाहर में जाए, घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती तुम्हारी माँ ने कोई शिकायत नहीं की, हम आरती के मर्डर के सिलसिले में आए थे। हाँ तो यहाँ क्यों आई? जाइए उसके भाई मोहन घर जाइए, आप जाना है तो। मुझे पहले शक था उसने अपनी बहन के साथ मिलकर मारा वैभव को, और अब ज्यादा लालच के चक्कर में आरती को ही मार दिया होगा। मोहन ठाकुर आरती का बड़ा भाई, जो कि आरती के स्टडी सेंटर में पार्टनर था, मुनाफे में 25% का भागीदार था, क्या आरती के कत्ल और 2 साल पहले हुए वैभव के कत्ल में भी उसकी कोई भागीदारी थी? क्या मोहन ही इन दोनों हत्याओं का मास्टरमाइंड था? मोहन जिस पर 2 साल पहले भी पुलिस का ध्यान गया था, पर तब पुलिस उसकी तह तक नहीं गई थी। सर मैंने अपने सीए से फिर से बात की थी, उसने मुझे बताया कि जीएसटी फाइल करने में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मोहन अब आरती तो रही नहीं, और उस पर वैभव का कोई बच्चा भी नहीं, तो कोचिंग क्लास अब किसकी हुई? सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मगर आपको एक बात बता दूं कि जब आरती जेल में थी तो उसे बाहर निकालने के लिए मैंने अपना दिन रात एक कर दिया था सर। हाँ पता है, 11 लाख का बॉन्ड साइन किया था आरती के लिए। सर सिर्फ उतना ही नहीं, बेल पर बाहर निकलने के बाद आरती हमारे साथ ही रही थी, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जाहिर सी बात है वैभव की माँ तो उसे अपने साथ रखती नहीं, और हमने सुना है कि वैसे भी मीना सुना तुम उन्होंने अपना घर बेच दिया और अब वृद्धाश्रम में रहती। तो ऐसी हालत में मैंने ही उसे सहारा दिया था सर, वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, मैंने पूरा सपोर्ट दिया उसे। तुम्हें पता उसकी जमानत कभी भी खत्म हो सकती थी, तो मैं दोबारा बेल करवाता। सर वैभव के साथ शादी के बाद वो वैसी बहुत भुगत चुकी थी, अब आरती के मर्डर के बाद तो उसकी जमानत का मामला भी खत्म हो गया। तो पता लगाइए ना किसने मारा है आरती को, कि आरती के मर्डर में इस प्रेम मिश्रा का हाथ हो, या फिर वैभव की फैमिली ने बदला लेने के लिए आरती का मर्डर करवाया है। तुम्हें लगता है कि वैभव जोशी का मर्डर आरती ने करवाया था? सर मुझे यकीन नहीं था, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आरती ऐसा नहीं कर सकती, और मैं क्या आरती ने भी आपसे चीख चीख कर यही कहा था कि उसने अपने पति को नहीं मारा है? पहले आप ही लोगों ने कोर्ट में साबित किया कि आरती ने ही अपने पति को मारा है, फिर आप ही ने उसे सजा दिलवाई, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आरती ने सही में अपने पति को मारा था? हम भी ये मानते हैं कि शायद उस केस में हमसे चूक हुई थी, कोई तो ऐसा एंगल था जिसकी तह तक हमें जाना चाहिए था। मोहन मैंने कुछ लोगों को पड़ोसी से पूछताछ करते हुए देखा। सुषमा आरती हमारे साथ में रहती, जाहिर सी बात है ये लोग पूछताछ करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को अंदर रखो, चेहरे पे मत लेकर आना। वैसे ही इन लोगों को मुझ पे शक हो गया है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी। अभी वो पुलिस वाला मुझसे यही पूछ रहा था कि मुझे यकीन है कि आरती ने ही वैभव को मारा है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, मगर बिल्कुल आराम से शांति से जवाब देना।
तुमने कहा था कि वैभव का मर्डर आरती का प्लान था, जिसका अब खुद का मर्डर हो चुका है, पर तुम अब भी सजा काट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सच बता देना चाहिए? सच मतलब पूरा सच। तुमने जानबूझ के आरती को वैभव मर्डर केस में फंसाया था? सजा होने के बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि आरती ने कभी नहीं माना कि उसने वैभव की किडनैपिंग या मर्डर प्लान की थी। उसने आखिर तक कोर्ट में भी यही कहा। मिसेज आरती जोशी, आप पर आपके पति वैभव जोशी को अगवा करने और उनका कत्ल करने और साजिश करने का इल्जाम है। आप ये इल्जाम कबूल करती हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे पति की किडनैपिंग और मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे कबूल करने के बाद भी आरती ने हमेशा हमारे सामने और कोर्ट में यही कहा कि वो बेकसूर थी। वो बहुत शातिर औरत थी, आखिर तक अपना गेम खेलती रही। वो चाहती थी कि सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। शातिर वो थी या तुम? प्रेम चाहे जो कहे, आप लोग चाहे जो माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने मेरे पति को नहीं मारा। जिस रात वैभव किडनैप हुआ, आपके और प्रेम मिश्रा के बीच में क्या क्या बातें हुई हम जानते हैं। और सिर्फ वही नहीं, मर्डर के बाद तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी ये भी जानते हैं हम। तुमको सबूत चाहिए? सबूत थी, बस कंफर्म कर रही हूँ कि काम हुआ या नहीं। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, लगा दिया। पक्का? कहीं ये काम तुमने किसी और पर तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद किया है। तुमको हम पे भरोसा नहीं है कि? यकीन करो, हमने काम पूरा कर दिया है। यही वो नंबर है ना जो आप लोगों ने प्रेम मिश्रा के नाम पर लिया था? इसी नंबर पर आपने प्रेम मिश्रा के साथ मिलकर वैभव को मारने की प्लानिंग की थी, है ना? सिर्फ कॉल रिकॉर्ड ही नहीं, हमारे पास तुम दोनों के फोन लोकेशन भी है, जहां जहां पे तुम दोनों साथ में। सर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैभव से बदला लेने के लिए मैंने ये अफेयर शुरू किया था, क्योंकि वैभव हर दूसरी औरत पर लट्टू हो जाते थे। हमारी शादी को मजाक बना के रखा था उन्होंने। उन्होंने अफेयर किया तो मैंने भी अफेयर कर लिया। मैं जब प्रेम के साथ थी तब भी मुझे अच्छी तरह पता था कि वैभव मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर नजर रख रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? जैसे तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें अगर हर दूसरी औरत के साथ सोने से पहले ना मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है ना, मुझे भी किसी के भी साथ सोने के लिए तुम्हारी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। उस प्रेम को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। उसकी नौकरी तो गई, उसकी भी जान जाएगी, देखना तुम। मैं भी ललिता को मारना चाहती थी, अब गीता को मारना चाहती हूँ। औरती अपनी हद में रहो तुम। हद में तुम रहो अपनी। तुम्हें क्या लगा हा? सिर्फ तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? मुझे पता ही नहीं चला कब वैभव से बदला लेते लेते मैं प्रेम को सचमुच पसंद करने लगी थी। वैभव के मना करने के बावजूद मैंने प्रेम के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। तो आपको पता था कि वैभव और गीता का अफेयर था? सिर्फ गीता नहीं, बल्कि मुझे उनके सारे अफेयर्स के बारे में पता था। हमारा बच्चा ना होने की वजह मैं नहीं बल्कि वैभव थी। मैंने फिर भी उनकी इस कमी को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, एक खुशहाल जिंदगी चाहती थी। मैंने उन्हें नहीं मारा है, और ये सब कुछ जो कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन आप लोग मुझे दिखा रहे हैं, ये सब कुछ प्रेम ने मुझे फंसाने के लिए किया है। हाँ, हमारी बात होती थी, लेकिन उस बातचीत में कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि हम आपस की बातें करते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रेम के दिमाग में ये सब चल रहा है। वो एक दिन किसी के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और यहां लाकर खड़ा कर देगा जहां पर आपको उसकी सारी बातें सच्ची लगेंगी। ये अदालत आरती जोशी, प्रेम मिश्रा, प्रकाश वर्मा और कमलेश जायसवाल को वैभव जोशी को अगवा करने की साजिश और उसके कत्ल के लिए दोषी पाती है। ये अदालत आरती जोशी को उनके पति वैभव जोशी के कत्ल और किडनैपिंग के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। आरती बहुत चालाक औरत थी, भले उसने आपके सामने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, पर आपकी बनाई हुई चार्जशीट के आधार पर ही तो कोर्ट में उसे सजा हुई थी। तो क्या हम गलत थे? हो क्या गया सर आपको? आप क्यों अचानक आरती के बुने जाल में फंस रहे हैं? आरती का मर्डर हो चुका है। अगर ये जाल आरती ने बुना था तो फिर आरती को किसने मारा? उसे उसके किए की सजा मिली है सर, और कुछ नहीं। वैसे आप क्यों उसे बेगुनाह साबित करने पे तुले? वो मुझे सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कह रही थी। जब हमें यहां से निकाला गया अपने वकील से मिलने के लिए, तब आरती मुझसे मिली थी। प्रेम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज मेरी बात सुनो। कितनी कमीनी निकली तुम! मेरे वकील ने सब बताया मुझे कि तुम और तुम्हारे वकील सब मुझ पे थोपने वाले। देखो आरती, अगर मैं डूबा ना तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। प्रेम, मेरी बात तो सुनो।
मेरे पास एक आइडिया नहीं चाहिए तुम्हारा कोई आइडिया। देखो हम जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही हो रहा है। वैभव भी मर चुका है, बस हमें हमें एक गेम खेलना है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। उस दिन कहां गया था तुम्हारा ये हम दोनों? जब पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वैभव को मैंने किडनैप किया है, मैंने मारा है, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की प्रेम, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, अगर हम दोनों जेल में रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। वाह, तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं जेल जाऊं और तुम बाहर मजे करो? देखो मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तुम कोर्ट में ये गवाही देते हो सबके सामने कि तुम्हें नौकरी से निकाल देने पर गुस्से में आकर तुमने ये सब कुछ किया है और इस जंजाल से मुझे आकर बाहर निकाल। ये जंजाल तुम्हारा फैलाया हुआ है प्रेम, एक बार सोच कर देखो, हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, इनकम की टेंशन नहीं है, वैभव की क्लास अब मेरी है, तुमने रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ किया, अब मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे? नहीं, कभी नहीं। अगर मैं जेल गया तो तुम भी बाहर नहीं घूम सकते, और हाँ, एक मर्डर करने के लिए जो सजा मिलती है ना, दूसरे के लिए भी वही सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बाद अगर मैं तुम्हारा खून भी कर दूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कमी नहीं निकलोगे। आरती बहुत पहुंची हुई चीज थी, उसने अपने पति का मर्डर प्लान किया और मुझे भी उसका हिस्सा बना लिया, और मैं बेवकूफ उसके जाल में फंस भी गया। तुम्हारी बेल तो पहले भी ना होती, अब आरती के मर्डर के बाद तो और नहीं होगी, इसलिए कहानियां बनाना बंद कर। अब आपको मेरा सच भी कहानी लग रहा है? तो ठीक है, अब आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं यहां जेल में बैठ करके वहां आरती का मर्डर करवा दिया तो यही सही, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो कमीनी मर गई। अब इतना बताया तो ये भी बता दो कि तुमने वैभव जोशी को मारा और आरती को फंसाया। अगर ऐसा है भी तो क्या, आरती को वैभव मर्डर केस में सजा हो चुकी थी और अब तो आरती भी मर चुकी है। प्रेम मिश्रा, वैभव के मर्डर और आरती के मर्डर का मास्टरमाइंड आरती का भाई मोहन ठाकुर है, उसने तुमसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें पैसे देगा और जेल से बाहर निकालेगा। कमाल कर दिया सर आपने, ये सवाल आपको 2 साल पहले पूछना चाहिए था ना। उस वक्त ये एंगल हमारी नजर से छूट गया था। बोलो, क्या मोहन ने फंसाया था आरती को? ये बात सच है सर, मोहन सर नहीं चाहते थे कि आरती फिर से क्लासेस ज्वाइन करे। मोहन ने कोचिंग सेंटर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया? पता नहीं सर, पर मैंने एक बार मोहन सर को बात करते हुए सुना था, तब मुझे भी उनकी बात सही लगी थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कितना बुरा है ये? भले तुम बेल पर बाहर हो मगर दुनिया ये नहीं भूलेगी कि तुम्हें कन्विक्टेड मुजरिम हो। भैया आपको भी ये लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को तो यही लगे ना, एक लड़की जिसने अपने पति को मार दिया वही ये क्लासेस चला रही है। आरती, ये एक इंस्टीट्यूट है, दिस इज बिजनेस। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे फंसाया गया था, मेरी भी एक लाइफ है। हाँ लाइफ है, मगर कानूनी तरीके से जेल के अंदर। बस भैया, ये क्लास मेरी है और वैभव के बाद उनके शेयर भी मेरे, और आपका शेयर सिर्फ 25% है। सो प्लीज, मुझे ये बताने का आपके पास कोई हक नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। ये बात भी सच है कि आरती मोहन सर की जिम्मेदारी बन गई। वैभव के मर्डर में आरती के अरेस्ट होने के बाद जब कोचिंग सेंटर मोहन ने संभाला, तब क्या कभी उसकी किसी हरकत से ऐसा लगा कि वैभव के मर्डर में उसका भी हाथ हो सकता? सर मुझे तो कभी उनके बिहेवियर से ऐसा कुछ लगा नहीं, पर हाँ क्लासेस में बातें होने लग गई थी कि वैभव सर मर चुके हैं, आरती जेल में है, और यह सब कुछ अब मोहन सर के ही। साहब, ये दोनों जिन्होंने आरती को मारा है वाराणसी के तो नहीं, क्योंकि मेरी टीम ने पूरा शहर छान मारा लेकिन कहीं दिखे नहीं। मेरी टीम अभी काम पे लगी है, हो सकता है आसपास की। साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आरती के भाई मोहन ठाकुर पे फोकस करना चाहिए। ना तो हमें वैभव जोशी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला और ना ही मोहन ठाकुर के, आरती के कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिल सके। साहब आरती के बिल के पीछे मोहन ठाकुर की साजिश है उसका तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ उसके पड़ोसी से बात की तो पता चला कि मोहन और उसकी बीवी आरती के साथ में रहने से खुश नहीं थे, वो तो क्लासेस के लालच में उनको मजबूरी में अपने साथ में रख रहे थे। आपने जब आरती को अरेस्ट किया
वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था। हमारा एक बच्चा है जो अभी क्लास 7 में आया है। आप खुद ही बोली, हर जगह आरती की खबर छप रही थी, तो बच्चे पर क्या असर हुआ होगा? तो अगर आरती के अरेस्ट होने से आपको इतनी परेशानी हुई, तो जब आरती जमानत पर बाहर आई तब तो आपको और भी दिक्कत हुई होगी। आप जैसा समझे सर, लेकिन आरती जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर पर रहने तक तो ठीक था, लेकिन वो क्लासेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से क्लासेस पे क्या असर पड़ेगा। एक काम करते, आपके 25% शेयर की आने वाले 5 साल की जो इनकम बनती है ना, वो मैं आपको पे कर देती हूँ, ठीक है? आरती, इतना आसान नहीं है ये। शेयर दोगी तुम? 2 साल, 2 साल जब तुम पर तुम्हारे पति के मर्डर का केस चल रहा था ना, और फिर तुम्हें सजा हुई, तो यही थे जिन्होंने क्लासेस संभाली थी। ये बात बार बार बोलकर आप मुझे क्या जताना चाहती? आप दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा महान काम किया है मुझ पर। वो क्लासेस मैं और मेरे पति मिलकर चला रहे थे। वही पति जिसका तूने खून कर दिया। एक नंबर का खटिया और एहसान फरामोश इंसान था वो। बुरा मत मानो, तुम मीना कुछ कम नहीं हो। आरती, तुम्हें पता भी है तुम्हारे यहाँ रहने से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है? उस वक्त भी लोगों ने हमें न जाने क्या क्या कहा था। वाह, आपको तो सब याद है, लेकिन ये याद नहीं होगा कि पति का मर्डर करने वाली उसी औरत की क्लासेस की कमाई पर आप ऐश कर रही हो। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ रहने और क्लासेस ज्वाइन करने से आप लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पर रहने से कौन मना कर रहा है? तुम रहो ना यहाँ पर, तुम्हारा ही घर है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम क्लासेस से दूर रहो। हमने आरती को कितना समझा, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। क्लासेस जाना छोड़ा नहीं उसने। आपके पति मोहन ठाकुर? मेरे पति आरती के बड़े भाई, क्लासेस शुरू करने में उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी। जिसके बदले मोहन को कोचिंग के प्रॉफिट में शेयर मिलता है। हाँ, तो ये उनका हक बनता है, लेकिन मेरे पति लालची इंसान नहीं है कि क्लासेस के लिए अपने जीजा और बहन का मर्डर करवा देंगे। सुषमा जी, हम यहाँ सिर्फ आरती के मर्डर की बात कर रहे हैं। आपके पति ने वैभव जोशी का मर्डर किया या नहीं किया, ये तो हमने पूछा है, ये तो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया। हो सकता है ये लोग तुम्हें भी सवाल जवाब के लिए बुलाएंगे, मगर बिल्कुल आराम से, शांति से जवाब दें। बोल दिया क्योंकि आप उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इल्जाम तो हमने लगाया ही नहीं सुषमा। क्या वैभव जोशी का मर्डर आपके पति मोहन ठाकुर ने करवाया, और अब आरती का मर्डर भी उन्होंने करवाया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन और सुषमा ठाकुर पर नजर रखो, इस बार शायद हम सही दिशा में। अगर इन लोगों ने कुछ किया तो कोई ना कोई गलती जरूर करें, तभी तो उठा लेंगे ना। पर हमें मोहन की बैंक स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए, अगर उसने सुपारी दी है तो कैश देने के लिए क्लियर को पैसे भी निकालें। कैसा रहा, सब ठीक था ना? नहीं, मैं डर गई थी, पता नहीं कि क्या क्या बोल दिया मैंने। क्या क्या बोल दिया? मैंने घबराहट में बोल दिया कि तुमने ना वैभव को मारा है ना आरती को। अरे सुषमा, मैंने तुम्हें सब कुछ तो समझा के भेजा था। हे यार, मोहन ठाकुर और सुषमा ठाकुर अब आरती मर्डर केस के अहम संदिग्ध थे। वैभव मर्डर केस में भी मोहन के अहम संदिग्ध होने का अंदेशा था। प्रेम मिश्रा से भी लगातार अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, इस उम्मीद में कि शायद प्रेम से कोई लीड मिल पाए जिससे वैभव और आरती मर्डर केस में मोहन की भागीदारी का पता चल सके। सर, मोहन ठाकुर के पर्सनल अकाउंट से या एवी सेंटर के बैंक अकाउंट से पिछले 3 महीने में कोई भी बड़ी रकम नहीं निकली। पेमेंट की नहीं गई होगी, करने वाला होगा। सर, सुपारी किलर इतने दिनों तक पैसों का इंतजार नहीं करते, कुछ ना कुछ एडवांस तो दिया होगा। पुलिस मकसद और दिशा खोजने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पास एक फोन आया जो आरती मर्डर केस में उन्हें क्लू देने वाला था। हेलो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आरती जोशी की सुपारी किसने दी थी। जानता हूं, तो ये बता के तूने फोन क्यों किया, ये कंफर्म करने के लिए कि हमें कुछ पता चला है या नहीं चला। ये बताने के लिए कि तुम लोग कातिल के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर हो, उस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे जैसे वैभव जोशी मर्डर केस में नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा लगा सुनकर कि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है,
लेकिन फोन करने की जहमत क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम लोग किलर तक जल्दी पहुंच जाओ। अच्छा लगा सुनकर कि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है, लेकिन फोन करने की जहमत क्यों की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम लोग किलर तक जल्दी पहुंच जाओ। बता हमें क्या करना चाहिए, क्या क्लू दे? सिर्फ क्लू नहीं, मैं तुम्हें मर्डर करने वाले का नाम दे रहा हूं, प्रेम मिश्रा। बिना पिछले दो महीने में तो किसी भी अपराधी की बेल नहीं हुई है। क्या फिर भी आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके बता सकते हैं कि प्रेम मिश्रा अब किसके साथ सेल शेयर कर रहा था और उनमें से कौन कौन बाहर है और किस किस से उसकी बातचीत थी, तो शायद हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है कि प्रेम मिश्रा ने कुछ किया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि ये स्टेशन बिना अपने फायदे के कोई भी काम नहीं करते, और बोला जेल में बैठकर प्रेम मिश्रा क्या दे सकता उन्हें। सर फोन इलाहाबाद के पीसीओ से किया गया था, लेकिन पीसीओ वाले को याद नहीं है कि फोन किसने किया था। इस तरह अचानक से फोन आना, प्रेम मिश्रा का नाम लेना, वैभव जोशी मर्डर केस की याद दिला रहा है। याद है वो नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए फोन आया था, जो योगेश पाल ने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर एक कॉल भी वैसी लग रहा है जैसे वैभव जोशी मर्डर के टाइम पर आरती से गुमराह करने के लिए हमें किया गया था, लेकिन इस बार शायद मोहन ठाकुर से डाइवर्ट करने के लिए किया गया। नहीं सर, मोहन ठाकुर नहीं लग रहा। सर वैभव जोशी के टाइम पर आरती हमारी प्राइम सस्पेक्ट नहीं थी, और उस वक्त हमें गुमराह करने का मकसद था कि हमारा ध्यान अपने प्राइम सस्पेक्ट से आरती की तरफ ना जाए, और शायद इस बार भी कातिल हमारी प्राइम सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन वो कौन है जो अभी तक हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं? गीता? कहीं वो गीता तो नहीं जिससे कॉलर हमारा ध्यान हटाना चाहता है? गीता ने वैभव के मर्डर का बदला लेने के लिए आरती का मर्डर कर दिया। सर गीता और वैभव अफेयर में थे, वो शायद शादी करने वाले थे, लेकिन उसके पहले वैभव का मर्डर हो गया। तो जब आरती को बेल मिली तो गीता ने अपना बदला लेने के लिए उसका मर्डर करवा दिया होगा। आरती को बेल किस ग्राउंड पर मिली थी? हेल्थ ग्राउंड पर सर, उसे अर्थराइटिस था। दिसंबर 2018 में आरती को जेल हुई थी, उसके भाई मोहन ने जनवरी 2019 से बेल के लिए ट्राई करना शुरू किया। आरती को फाइनली बेल मार्च 2019 में मिली। क्या हुआ, पुलिस ने उस बारे में कुछ पूछा? नहीं, पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर बाद में पता चला तो? अब अगर पूछेंगे सब बता दूंगा। वीना, ये वैभव की माँ मीनाक्षी जी ने अपना घर कब बेचा था? मीनाक्षी जी तो ये कोठी 8 महीने पहले ही बेचकर चली गई है। तो मीनाक्षी जी के पड़ोसन ने कहा था 8 महीने पहले। 8 महीने मतलब जनवरी 2019 में। यस सर। सर आपको मीनाक्षी जी के घर बेचने और आरती के मर्डर में कनेक्शन नजर आ रहा है? हैं कहां ये मीनाक्षी जी आजकल? वृद्ध आश्रम में उनसे मिलने गई थी। मीनाक्षी जी, पहचाना आपने मुझे? मैं पिछली बार आपसे मिली थी जब वैभव का मर्डर हुआ, आपकी बहू आरती का मर्डर हो गया। मैं आज तक समझ नहीं पाई, जब आपस में बन नहीं रही थी, एक दूसरे की कोई बात मंजूर नहीं थी तो अलग हो जाते, मानने का क्या मतलब था? उनको देख के लगा कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। क्या आपको उनको पे शक हो रहा है? देखो कंफर्म नहीं है, इत्तेफाक भी हो सकता है। आरती को सजा हुई दिसंबर में, जनवरी को आरती के भाई ने उसकी बेल के लिए अप्लाई की, और जनवरी में ही मीनाक्षी जी ने अपना मकान बेचा और वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए। मकान बेचा था तो उसके पैसे मिले होंगे। वीना, मीनाक्षी जी का बैंक अकाउंट चेक करो। श्योर सर। उस्मान, मीनाक्षी जोशी के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि वो फोन यूज ही नहीं करती। सर बिना फोन के कोई कॉन्टेक्ट प्लेयर को सुपारी कैसे देगा? हम मीनाक्षी जोशी के दामाद किशोर और बेटी पार्वती के कॉल रिकॉर्ड देख रहे हैं। उनके दामाद का कहना है कि वो और वैभव पहले दोस्त थे, बाद में रिश्तेदार बने। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं तो वैभव को तब से जानता था जब हमारा रिश्ता बना भी नहीं था। लेकिन ये पार्वती और किशोर तो मीनाक्षी को देखने तक नहीं जाते। तुम दोनों पे नजर रख, कभी कभी तीर अंधेरे में भी निशाने पे लग जाते। मैं मूर्तिगंज पुलिस स्टेशन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वीना शुक्ला बोल रही हूँ। मुझे एक अकाउंट की डिटेल जल्द से जल्द चाहिए। मैं रिक्वेस्ट मेल कर दे रही हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। भैया ये क्या है? क्या है? पैसे निकाले? हाँ, 2 लाख किस लिए? तो तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? बिल्कुल,
क्योंकि आपने ये पैसे अपना शेयर लेने के बाद निकाले। राहुल का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था, 2 लाख रुपए चाहिए थे एडवांस फीस के, मेरे प्रॉफिट शेयर में से कट कर लेना। हाँ तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने चीटिंग की है? मैं ये नहीं कह रही हूँ भैया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने ये पैसे निकाले और मुझे नहीं बताया। मैं भी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। सड़ रही थी तुम जेल में, मैंने दिन रात एक करके पैसा खर्च करके तुम्हें जेल से बाहर निकाला, और तुम मुझ पर, अपने बड़े भाई पर चढ़ रही हो। तुम ये बात घर पर आकर भी कर सकती थी ना, वहाँ क्लासरूम में करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला दूँ कि तुम्हारे भैया ने भी क्लास में पैसे लगाए। भाभी वैसे भी ना भैया का बिजनेस ठप पड़ा हुआ, तो ये सारे खर्चे जो चल रहे हैं ना वो क्लासेस के पैसों से ही चल रहे हैं, तो ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है मुझ पर। हाँ भैया वैसे एक बात और, दोबारा आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझसे पूछ कर ही कीजिएगा, फिर चाहे मैं जेल में ही क्यों ना, आप बिजनेस में शेयर होल्डर हैं, मालिक नहीं। जिस अंधी गली में इन्वेस्टिगेशन दाखिल हुई थी उसी अंधी गली से आरती जोशी मर्डर केस का आखिर में रास्ता खुलने वाला था। पुलिस ने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो तीर आरती मर्डर केस में निशाने पर लगा था। लेकिन इस सफलता से पहले एक उससे भी बड़ी सफलता इस केस में सामने आने वाली थी। आसमान बोल, पार्वती और किशोर का कुछ पता चला? सर वहां कुछ मिले या ना मिले? यादव पंटर मिले, वसीम बेग और बिलाल कुरैशी। कौन है ये दोनों? मैडम ने आप लोगों को बुलाया है। साहब ये वही लोग हैं जिसका स्केच पीओन और उसके एडमिन इंचार्ज ने बनवाया था। इन्होंने आरती का मर्डर किया। साहब आप फौरन पहुंचिए। लगता है सुपारी का पैसे लेने के लिए आए। तू वहीं पे रुक, मैं 5 मिनट में वहां पे पहुंच रहा हूँ। आपका शक सही था, काफी घुमाकर प्लानिंग की गई। मीनाक्षी जोशी के अकाउंट से पैसे दिए गए? नहीं सर, लेकिन घर बेचने के बाद की कहानी कुछ और है, जो हमसे छुपाई गई, हमसे चूक हो गई सर। हमने सिर्फ मोहन का अकाउंट चेक किया, लेकिन घर बेचने के बाद मीनाक्षी जी को 55 लाख रुपए मिले, जिसमें से 40 लाख रुपए उन्होंने पार्वती के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये किशोर और पार्वती तो कुछ और ही कहानी सुना के गए थे, उन्होंने तो कहा था कि मीनाक्षी जी ने घर बेचने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया। हमसे झूठ बोल रहे थे वो दोनों। घर बेच दिया, सारा पैसा अपने पास रख लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पार्वती और किशोर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर गए। सर उनको तबीयत से तोड़ते हैं, सारी एक्टिंग निकल जाएगी। चलिए मां जी, पार्वती और किशोर आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। बैलेंस पैसे लेने आए थे सर। तुम दोनों में से मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था सर, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। एडवांस कितना मिला था? 4 लाख। और बैलेंस कितना था? 6 लाख सर, आज की तारीख फिक्स हुई थी बैलेंस लेने के लिए। 4 लाख है, बाकी 6 काम होने के बाद कल काम हो जाएगा। अच्छा उसके सीए का नाम सुरेश पुजारी है। एक बार में याद हो गया था भाई, उसके GST का भी पता करके आए। तुम टेंशन मत लो, कल काम हो जाएगा। कल हो जाएगा माँ। कह दिया उसे कि उसे भी उतना ही दर्द होना चाहिए जितना मेरे बेटे को हुआ था। उसे दर्द होगा, वैभव से ज्यादा दर्द होगा उसे। आरती को मारने की प्लानिंग आपने जनवरी में शुरू कर दी थी। मैं पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन जनवरी में पक्का कर लिया था। आज फिर कोर्ट में उसकी बेल की सुनवाई है माँ, बस उसे बेल जल्दी मिल जाए। देखिए लगता था इस बार जल्दी मिल जाएगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं आप? तुम तो शुरू से ही कहती रही कि तुमने वैभव को नहीं मारा, बस मैं ये जानना चाहती हूँ सच क्या है। माँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुमने वैभव को मारा है। बोल बेटा, तुमने ही मारा है ना? हाँ मैंने मारा वैभव को, क्योंकि वो अपने घटियापन और अपनी गंदी चीजों से बाज नहीं आ रहा था। 5 सालों में जो दर्द और जो तकलीफें उसने मुझे दी है, वही दर्द मैं उसे देना चाहती थी। हाँ मैंने मारा है आपके बेटे को, क्योंकि मैं आपके बेटे से नहीं बल्कि प्रेम मिश्रा से प्यार करती हूँ। पर तूने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं अपने बेटे से बात करती, वो तेरे रास्ते से हट जाता और तू अपनी जिंदगी जी मैं लेती। और मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मारना चाहती थी। मैं ये घर बेच दूंगी और वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, और वहां पे तुम दोनों में से कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा, और इस तरह किसी को मुझ पे भी शक नहीं होगा और तुम लोगों पे भी नहीं होगा।
उन पैसों से मैं आरती को मरवाऊंगी। मार दिया मैंने उसे, मार दिया। उसे वही दर्द दिया जो उसने मेरे बेटे को दिया था। मैं कबूल करती ये सब मैंने अकेले किया है, इसमें मेरी बेटी और दामाद का कोई लेना देना नहीं। मीनाक्षी जी, कानून किसी की मर्जी या खुशी के लिए काम नहीं करता। आरती के मर्डर के लिए दोनों को भी सजा होगी। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे भी कोई अफसोस नहीं। अपने बेटे की मौत का बदला लेके खुश हैं आप? हाँ, मुझे बदला लेना था। उसने मेरे बेटे को मारा, मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मीनाक्षी जी, आपने सिर्फ आरती की जिंदगी खत्म नहीं की बल्कि अपनी बेटी और दामाद की जिंदगी भी खत्म कर दी। मोहन और सुषमा को डर था कि बेटे के एडमिशन के लिए निकाले गए 2 लाख रुपए कहीं उन्हें बेवजह आरती मर्डर केस में ना फंसा दे। प्रेम मिश्रा और उसके दोनों साथी वैभव मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं। किशोर राजपूत, बिलाल कुरैशी, वसीम बेग, पार्वती राजपूत और मीनाक्षी जोशी को आरती मर्डर केस में बुक किया गया है। कोई ये कैसे सोच सकता है कि किसी की जिंदगी खत्म कर देने से रिश्तों में आई इन दूरियों का समाधान हो सकता है? ऐसे घिनौने विचार सिर्फ एक रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए दिमाग में पनप भी कैसे सकते हैं? और ऐसे विचारों को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? आखिरकार वैभव की हत्या से आरती को क्या हासिल हुआ? और बदले की भावना से आरती की हत्या करके मीनाक्षी जोशी, उसकी बेटी और दामाद को क्या मिल गया? हत्या किसी झगड़े का हल नहीं हो सकती और ना ही किसी मुसीबत का अंत हो सकती है, बल्कि ये मुसीबतों की शुरुआत होती है जिसका अंत बहुत ही नुकसानदायक और दर्दनाक होता है। सही और आसान उपाय यही है कि अलग हुआ जाए और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आगे बढ़ाई जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अच्छे विचारों को जगह दें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।